भाई ये स्विगी ने थर्ड ऑर्डर दिया है, ये वाला भी 4.9 किलोमीटर का, पाँच का कर देता ना डेढ़ में काउंट होता। पिकअप ड्रॉप मिला के 9 किलोमीटर के मैं 44 रुपये मिले हैं। आधे घंटे में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था, 5 किलोमीटर से ऊपर का था ना तो डेढ़ में काउंट हुआ है। और इससे पहले अपन डेढ़ ऑर्डर एक कर रखे थे तो ये 10 की जगह 11 ऑर्डर हो गए मेरी ऐप में। लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन क्या लास्ट में हमें क्या मिल रहा है इसमें? आधे घंटे से परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ मैं आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ। फिर स्विगी कंपनी ने क्या किया, मेरे साथ पेनल्टी लगा दी, मेरे ऊपर 250 रुपए की पेनल्टी लगा रखी है। हेलो शुक्रबानी, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी, और हो चुकी हमारी और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज है संडे और आज हम स्विगी करेंगे फुल डे। स्विगी में इंसेंटिव चल रहा है, अगर आप 24 ऑर्डर पूरे कर लेते हो तो आपको 700 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं तीन शिफ्ट में जो कंप्लीट करूंगा, जो 24 ऑर्डर जिन तीन शिफ्ट में कंप्लीट करूंगा, लंच में, स्नैक्स में और डिनर में, तो हमें तीन शिफ्ट कंप्लीट करने का अलग अलग इंसेंटिव मिलेगा। 85 रुपए डिनर में देता है और लंच में देता है 40 रुपए के आसपास और स्नैक्स में शायद 30 रुपए देता है। तो ये सारे शिफ्ट का इंसेंटिव प्लस 24 ऑर्डर का 700 रुपए इंसेंटिव, और 7 से रात को सुबह 4 बजे तक में इंसेंटिव चलता है, वो वाला तो मुश्किल ही कंप्लीट हो पाएगा। बाकी अगर वो वाला भी कंप्लीट हो जाता है तो 250 रुपए में वो 14 ऑर्डर कंप्लीट करने के भी मिल जाएंगे, जो हम 7 से लेके सुबह 4 बजे तक के बीच में अगर 14 ऑर्डर पूरे कर देते हैं तो। देखते हैं भाई हमारे जितने भी ऑर्डर होते हैं, मेन अपना टारगेट 24 ऑर्डर का ही होता है। उसके अलावा आज मैसेज सेंटर में लॉन्ग डिस्टेंस का भी दिखा रहा है कि आप हमेशा कमेंट करते हो कि भाई 10 किलोमीटर से ऊपर का ऑर्डर होता है, हमें तो भाई एक ही ऑर्डर में काउंट होता है इंसेंटिव में। तो देखो मेरे पास मैसेज सेंटर में ही आ रखा है, अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा का ऑर्डर है मेरा तो वो डेढ़ में काउंट होगा, 10 किलोमीटर से ऊपर का ऑर्डर है ड्रॉप तो वो 2 ऑर्डर में काउंट होगा, और वहीं 15 किलोमीटर से ऊपर का ऑर्डर है तो वो 2.5 ऑर्डर में काउंट होगा। तो कोशिश करेंगे हमारे ऑर्डर लॉन्ग डिस्टेंस के होंगे तो जल्दी जल्दी निपटेंगे, और छोटे छोटे होंगे तो वो भी अपन जल्दी जल्दी निपटा ही देते हैं। तो देखते हैं आज कैसा काम रहता है, तो फटाफट से लॉग इन कर लेते हैं और फील्ड में चलते हैं। 12:15 बजे स्विगी का फर्स्ट ऑर्डर पिक कर लिया, और फर्स्ट ऑर्डर ही हमारी फेवरेट जगह ऊथम नगर लेके जाना है। 4.9 किलोमीटर का था यार, ये 5 का होता तो डेढ़ में काउंट ना होता, तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। थी दोपहर ही मैं ऊथम नगर आके स्विगी का हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 5.5 किलोमीटर के हमें 30 रुपए मिले हैं। आधा घंटा लग गया इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। यार 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, कल तो बारिश भी थी उसके बाद भी गर्मी थी, और आज तो बहुत तेज़ धूप हो रही है यार। अब स्विगी बोल रहा है वापस से जोन में जाओ, 4 किलोमीटर वापस जाओ जब नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। तो जोन में चल रहे हैं, देखते हैं 4 किलोमीटर जाने के बाद ही आता है या रास्ते में ऑर्डर दे देता है, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई आधे घंटे बाद स्विगी का जोन में आके ये सेकंड ऑर्डर पिक किया, और उसको मात्र 350 मीटर दूर लेके जाना है, तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। 1:30 बज गया स्विगी का सेकंड ऑर्डर अब जाके कंप्लीट हुआ है, पिकअप ड्रॉप मिला के 0.5 किलोमीटर का ही ऑर्डर था, 20 रुपये मिले मात्र 12 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। और आज अपन को बस 24 ऑर्डर करने हैं, 2 तो हो गए, 22 ऑर्डर और करने हैं तो अपनी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ये स्विगी ने थर्ड ऑर्डर दिया है, ये वाला भी 4.9 किलोमीटर का, 5 का कर देता ना डेढ़ में काउंट होता, अब ये भी उत्तम नगर लेके जाना है, चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। उत्तम नगर की गड्ढों से भरी सड़कों पर आज का हमारा थर्ड ऑर्डर भी कम्प्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 5.5 किलोमीटर के हमें 40 रुपये मिल गए। ऑर्डर अर्निंग तो 28 रुपये ही थी, 11 रुपये मिले हमें 16 मिनट वेट करने के, वेटिंग चार्ज मिल गया 11 रुपये। अब यार स्विगी फिर से बोल रहा है कि जोन में जाओ, अब 5 किलोमीटर फिर अंदर जाओ जब जाके ऑर्डर मिलेगा, तो यार ये तो आफत वाला काम हो गया। 5 किलोमीटर ड्रॉप करो फिर 5 किलोमीटर अंदर जाओ, 10-10 किलोमीटर का ऑर्डर पड़ रहा है, 3 ही ऑर्डर हुए हैं हमारे, 2:15 हो गए 2.25 घंटे में। यार स्विगी में भी मज़े नहीं आ रहे, इंसेंटिव बहुत अच्छा है 700 रुपये वाला 24 ऑर्डर में, लेकिन यार ऑर्डर ऐसे ऐसे कराएगा तो फिर क्या मज़ा आएगा काम करने में। तो चलो जोन में चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। स्विगी ने हमारी बात सुनी और उत्तम नगर से ये ऑर्डर दे दिया, इसको विकासपुरी लेके जाना है, और ये 5 किलोमीटर से ऊपर का है तो डेढ़ में भी काउंट होगा, तो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। आज का हमारा फोर्थ ऑर्डर भी कम्प्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 6.5 किलोमीटर के हमें 33 रुपये मिलते हैं, 21 मिनट लगे इस ऑर्डर को कम्प्लीट करने में, और ये 5 किलोमीटर से ऊपर का था ना, और उन दोनों ऑर्डरों में से जो मैंने पहले किए थे 4.9 किलोमीटर के थे ना, वो डिस्टेंस कम कैलकुलेट किया था, लेकिन जब मैंने डिलीवर किए तो 5 किलोमीटर का हो गया था, तो इस वजह से अब मेरे 5 ऑर्डर कंप्लीट हो गए। मैं गलत जगह आ गया क्या यार, लग तो नहीं रहा ना ही सही जगह जा रहा हूँ यार, कन्फ्यूज़न हो गया। और अब मेरा एक और ऑर्डर आ गया है, उत्तम नगर पीछा नहीं छोड़ रहा, 3 किलोमीटर का तो पिकअप ही दिया है, तिलक नगर पिक करने जाना हो फिर उसको ड्रॉप करने जाना है। ऊथम नगर 8 किलोमीटर का ऑर्डर है, ये भी 5 किलोमीटर से ऊपर का ड्रॉप है, तो ये डेढ़ में काउंट होगा, तो चलो डेढ़ डेढ़ के देते जाओ, 24 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये है शाम को 7 से
12 के बीच में अगर मेरे 14 ऑर्डर हो गए तो मेरे 200 रुपये इंसेंटिव मिल गया यार, वो सोच रहा हूँ कंप्लीट करने का। अगर 7 से 12 में एक आध ऑर्डर कम होगा ना 14 में, तो अपन 1 बजे तक भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत लेट कर लेंगे, क्योंकि वो 200 रुपये का इंसेंटिव मिल जाएगा ना, तो अर्निंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलो हमारा 6th ऑर्डर आ गया ऐप में, तो 5th ऑर्डर कम्प्लीट हो गया। वैसे मैंने 4 ही ऑर्डर किए हैं, तो अब 6th ऑर्डर को भी पिक करने चलते हैं फटाफट। लो भाई, आज का ये ऑर्डर नंबर 6 पिक कर लिया, इसको तिलक नगर से ऊथम नगर लेके जाना है, 6 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ही ड्रॉप करने। यार ये गलत लूप में फंसा रहा है मुझे बार बार, उत्तम नगर तिलक नगर फिर उत्तम नगर, यार ये गंदा लूप है, अगर इसमें फंसा रहा ना तो आज काम ढंग से हो नहीं पाएगा। और ये उत्तम नगर आके मैंने अभी मेरा 6th ऑर्डर कम्प्लीट करा है, पिकअप ड्रॉप मिला के 8.5 किलोमीटर के हमें 42 रुपये मिले हैं, और 4 रुपये लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे दिखा रहा था, तो वो अभी 10 मिनट वेट करने के बाद मिलेंगे। अब रिटर्न पे मिले ना, बस एक ऑर्डर दे दे रिटर्न का, वही काफ़ी है। 3:15 हो रहे हैं, गर्मी बहुत हो रखी है, 6 ऑर्डर हुए हैं अभी, तो 24 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, यानी कि 18 ऑर्डर और करने हैं हमें अभी। तो उत्तम नगर से धीरे धीरे निकलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। रिटर्न पे तो दिया नहीं, एक ऑर्डर ही दे दिया। अब इसको 700 मीटर दूर लेके जाना है, पिकअप किया है मैंने 1.5 किलोमीटर से, चलो इसको ड्रॉप करते हैं, ऑर्डर नंबर 7। यार तो उत्तम नगर फंस गया मैं, गंदा वाला उत्तम नगर में ही बार बार ऑर्डर दे रहा है ये। अभी ऑर्डर नंबर 7 कंप्लीट किया है, पिकअप ड्रॉप मिला के 2.25 किलोमीटर के 20 रुपये मिले हैं, 15 मिनट लगे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। अब एक और ऑर्डर दिया, उत्तम नगर से ही पिकअप है, उत्तम नगर ही ड्रॉप करना है। यार सड़कें ख़राब है ना, हालत ख़राब हो जाती है यहाँ गाड़ी चलाने में, इसलिए बड़ी दिक्कत आती है। अब चलो कोई नहीं, अब जैसा भी है क्या कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर 8 आया, इसको पिक करते हैं फटाफट। आज का ये ऑर्डर नंबर 8 पिक कर लिया, और इसको ऊथम नगर लेके जाना है, 2 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करते हैं। ऊथम नगर ही घूम रहा हूँ आज तो भाई मैं, ऑर्डर नंबर 8 मैंने अभी कंप्लीट किया है, पिकअप ड्रॉप मिला के 3.5 किलोमीटर के 20 रुपये मिले हैं, 20 ही मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। तो यार यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, बार बार उत्तम नगर के ही ऑर्डर दिए जा रहा है। जनकपुरी की साइड निकल जाऊँगा वो तो मैं सही हो जाऊँगा, ये तो यहाँ तो मैं पागल हो जाऊँगा भाई। उत्तम नगर में सड़कें ख़राब, फिर इतना ज़्यादा ट्रैफिक, हर ऑर्डर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे छोटे ऑर्डरों में, और फिर गाड़ी चलने में दिक्कत होती है, देखो धूम 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 ऐसे चलती है गाड़ी, हर छोटे छोटे दूरी पे इतने गड्ढे भर रखे हैं ना, क्या ही कर। अब यहाँ से निकलता हूँ यार मैं जनकपुरी की साइड, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। जनकपुरी जा रहा था, इसने मुझे विकासपुरी का पिकअप दे दिया, 2 किलोमीटर का। अब ये ऑर्डर नंबर 9 पिक किया, और इसको मात्र 200 मीटर दूर लेके जाना है, उसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। 4:45 हो रहे हैं, इतनी धूप पड़ रही है, अभी मैंने ऑर्डर नंबर 9 मेरा कंप्लीट किया है, पिकअप ड्रॉप मिला के 2 किलोमीटर के हमें 20 रुपये मिले हैं मात्र, टाइम लग गया आधा घंटा, और अब फिर एक ऑर्डर नंबर 10 दिया है। भाई क्या कर रहा है स्विगी भी मेरे से मज़े ले रहा है, पहले उत्तम नगर भेज भेज के दुखी कर रहा था, अब मूंड का भेज रहा, गांव में भेज रहा है यार, खाली आना पड़ेगा वहां से, और ऐसी धूप में टाइम ख़राब हुआ वो अलग। ऑर्डर नंबर 10 आया, इसको पिक करते हैं फटाफट। 5:10 है, आज का ये ऑर्डर नंबर 10 पिक किया है, अब इसको नांगलोई एक्सटेंशन लेके जाना है, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, 1 घंटा गया हमारा, इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। नांगलोई गांव आ गया मेरा भी, ऑर्डर नंबर 10 मैंने कंप्लीट किया है, पिकअप ड्रॉप मिला के 9 किलोमीटर के मैं 44 रुपये मिले हैं, आधे घंटे में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था, 5 किलोमीटर से ऊपर का था ना, तो 1.5 में काउंट हुआ है, और इससे पहले अपन 1.5 ऑर्डर एक कर रखे थे, तो ये 10 की जगह 11 ऑर्डर हो गए मेरी ऐप में। और मैं रिटर्न पे का वेट कर रहा था, इसमें 14 रुपये रिटर्न पे दे रहा था, उसके लिए बोल रहा था आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, अब मैं 10 मिनट वेट कर रहा था, इतने में उसने एक ऑर्डर और दे दिया, रिटर्न पे नहीं दे रहा, 5 किलोमीटर का ऑर्डर दिया, पिकअप दिया 1.5 किलोमीटर, ड्रॉप है 4.5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का ही हो गया यार। गांव में सड़कों की हालत बुरी है, आज तो स्विगी मेरे से मज़े ले रहा है, पहले उत्तम नगर फंसा दिया और अब ये ऐसी गांव-गांव में भेज रखा है। हालांकि ये मेट्रो स्टेशन है लेकिन इधर सारा गांव ही गांव है, मेरे को गांव ही गांव में भेज रहा है, अंदर से ही पिक करना है, ऑर्डर पिक करके ड्रॉप करते हैं फटाफट। 6:45 आज का ये ऑर्डर नंबर 12 पिक कर लिया, और इसको नांगलोई से नांगलोई लेके जाना है, विकासपुरी के पास पहुंच जाऊंगा, 4 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 6:00 आज का हमारा ऑर्डर नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 6 किलोमीटर के ऑर्डर के हमें 31 रुपये मिलते हैं, आधा घंटा लग गया इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। अब ये चंद्र विहार आ गया हूँ, चंद्र विहार से विकासपुरी चलते हैं, विकासपुरी पास में ही है, नाला क्रॉस करती विकासपुरी आ जाएगा, तो फिर वहाँ जाके देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। 12 ऑर्डर और करने भाई, 12 हुए अभी 6:00 ना, हाँ 11-12 बजे तक तो आराम से हो जाएंगे, बाकी 7 बजे बाद से अगर 14 ऑर्डर हो जाएँ तो अच्छी अर्निंग हो जाएगी हमारी। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। विकासपुरी आने के बाद आज का ये ऑर्डर नंबर 13 पिक कर लिया, और इसको मात्र 800 मीटर दूर लेके जाना है, तो चलो इसको फटाफट से ड्रॉप करते हैं। 6:40 पे आज का हमारा ऑर्डर नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 2.5 किलोमीटर के हमें 20 रुपये मिलते हैं, मात्र 10 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, और आज का हमारा ऑर्डर नंबर 14 भी हाथों हाथ ही आ गया, पास से पिक करना है 3 किलोमीटर दूर,
विकासपुरी हूँ, जनकपुरी लेके जाना है, तो ऑर्डर पिक करते हैं फटाफट। आज का ये ऑर्डर नंबर 14 पिक कर लिया और इसको 3.5 किलोमीटर दूर लेके जाना है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 7 बजे आज का हमारा ऑर्डर नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 4 किलोमीटर के हमें 22 रुपये मिलते हैं। 20 मिनट लगे इस ऑर्डर को कम्प्लीट करने में और अब देखते हैं हमारा यहाँ से जनकपुरी से ऑर्डर कहाँ का और कितनी देर में आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। लो भाई, आज का ये ऑर्डर नंबर 15 पिक करा है, जेल रोड से पिक करा है और उसको तिलक नगर लेके जाना है, 2 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ही ड्रॉप करने। आज का ये ऑर्डर नंबर 16 पिक कर लिया और इसको तिलक नगर से विकासपुरी लेके जाना है, 4 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 8 बजे आज का ये ऑर्डर नंबर 17 पिक कर लिया और इसको मात्र 500 मीटर दूर लेके जाना है, चलते हैं इसको फटाफट से ही ड्रॉप करने। आज का ये ऑर्डर नंबर 18 पिक कर लिया है पैसिफिक मॉल से और उसको जनकपुरी लेके जाना है, 5 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। आज का ये ऑर्डर नंबर 19 पिक कर लिया है, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया से पिक किया और इसको पश्चिमपुरी लेके जाना है, 7 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 9:30 बजे आज का ये ऑर्डर नंबर 20 पिक कर लिया और इसको 6.5 किलोमीटर दूर लेके जाना है, पश्चिम बिहार से तिलक नगर लेके जाना है। इसको ड्रॉप करने के बाद 20 की जगह हमारे 21 ऑर्डर हो जाएंगे क्योंकि ये 5 किलोमीटर से ऊपर गया और जो लास्ट ऑर्डर किया था वो भी 5 किलोमीटर से ऊपर का था, तो 1.5 में काउंट होके 3 हो जाएंगे। तो इसके बाद अपन को 3 ऑर्डर और करने रहेंगे 24 ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, तो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट। हाथों हाथ ये ऑर्डर नंबर 22 भी आ गया मेरे पास, इसको 3.5 किलोमीटर दूर लेके जाना है, चलते हैं इसको फटाफट से ही ड्रॉप करने। यार ये ऑर्डर नंबर 24 पिक किया है, इन्होंने इंस्टामार्ट का बैग दे दिया, बैग वापस करने आना पड़ेगा, मैं तो वहीं से निकल जाता घर, अब इस बैग को देने और आना पड़ेगा, जैप्टो की तरह बैग दे दिया, तो चलो इस ऑर्डर को ड्रॉप करते हैं फटाफट। लो भाई घर आ गए हम, मैं इस वाले फोन से जितनी भी क्लिप शूट करता हूँ ना, जैसे इस फोन में ऑर्डर आता है तो दिखाता हूँ, देखो ऑर्डर मैंने डिलीवर मार्क कर दिया और इसमें हमें इतने रुपए मिलते हैं, तो इस फोन की जितनी भी क्लिप थी ना शाम वाली सारी डिलीट हो गई। मैं एक एक ऑर्डर की अर्निंग लास्ट के जितने भी थे शायद 15 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका था मैं, जो जिस फोन से अभी शूट कर रहा हूँ इस फोन से मैं रिकॉर्ड कर लिए थे, बाकी उसके बाद जो रात हो जाती है ना रात वाले ऑर्डर मैं इस वाले फोन से दिखाता हूँ, तो इस वाले फोन में जितना भी रिकॉर्ड किया था सारा डाटा उड़ गया, मुझे लगा वो जोमेटो की क्लिप है और पता चला वो स्विगी की सारी थी और सारी मैंने डिलीट कर दी गलती से। तो मैं लास्ट के ऑर्डर की अर्निंग दिखाता हूँ ऑर्डर नंबर 15 के बाद की। तो देखो ऑर्डर नंबर हमारा 15 था, लगभग 3 किलोमीटर का ऑर्डर था, इसमें हमें 20 रुपए मिले थे, 15 मिनट लगे थे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर आता है, ये भी लगभग 5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 26 रुपए मिले हमें इस ऑर्डर में, 20 मिनट लग गए इस ऑर्डर को भी कंप्लीट करने में। उसके बाद एक और ऑर्डर हमने कंप्लीट किया, ये 9 किलोमीटर का ऑर्डर था और 5 किलोमीटर से ऊपर का था, जो 1.5 में काउंट हो गई होगा, इसके हमें 46 रुपए मिलते हैं और 32 मिनट लगे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। और इसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर आता है, ये 5.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 28 रुपए मिले हमें इस ऑर्डर में और 28 मिनट लग गए इस ऑर्डर को भी कंप्लीट करने में। उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर आता है, ये 3.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 20 रुपए मिले हमें, 14 मिनट में मैंने ये ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर आता है, ये लगभग 8.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, ये भी 1.5 ऑर्डर में काउंट होगा क्योंकि 5 किलोमीटर से ऊपर का ऑर्डर है, 44 रुपए मिले हमें इस ऑर्डर में, 22 मिनट में मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक और ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर 4.5 किलोमीटर का था, 25 रुपए मिले, मात्र 18 मिनट लगे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर नंबर 22। भाई इस ऑर्डर में जो भसड़ हुई है ना, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्या हुआ था, फिर मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जिससे मेरी बात हुई सारी आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं अपने तरफ से बता देता हूँ इस ऑर्डर में हुआ क्या। ये लास्ट ऑर्डर था, 10 बजे मैंने ऑर्डर नंबर 22 कंप्लीट किया था, मुझे था 11 बजे तक काम करेंगे, 2 ऑर्डर करने हैं 24 ऑर्डर कंप्लीट करने में, तो 2 ऑर्डर मेरे इजीली हो जाएंगे 1 घंटे में। तो फिर मेरे पास एक एग्जॉटिक डोसा रेस्टोरेंट का नाम है, वहां से एक ऑर्डर आता है, 20 रुपए का ऑर्डर था, पिकअप ड्रॉप मिला के 2.5 किलोमीटर का ऑर्डर था। तो मैं रेस्टोरेंट पर जाता हूँ कि भाई आईडी दिखाता हूँ कि भैया ये वाला मेरा ऑर्डर है आप ऑर्डर दे दीजिए, तो वो रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं कि ये ऑर्डर हमारे पास 8:30 बजे से आ रखा है, 8:30 बजे ही एक राइडर ये ऑर्डर ले जा चुका है, आप चौथे पांचवे राइडर हो जो ऑर्डर लेने आए हो। तो भाई मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मेरे पास ये ऑर्डर है, मैंने कस्टमर केयर पे टिकट रेस करी। एक तो स्विगी का कस्टमर केयर इतना घटिया इतना गंदा है, वास्तव में मेरा इतना गुस्सा आ रहा था, आप अभी ये रिकॉर्डिंग सुनोगे ना तो आपको मेरा गुस्सा समझ आएगा। सुबह से मैं काम कर रहा हूँ स्विगी में, एक तो सबसे बड़ी आफत ये बीच में आप रेस्ट नहीं ले सकते, जैसे मैं जोमेटो में बीच में 2 घंटे रेस्ट लेके आराम से शाम को काम कर लेता हूँ, लेकिन स्विगी में रेस्ट लिया तो आपका इंसेंटिव पूरा होगा नहीं। एक तो लगातार काम करो, बीच में ना खाने का पता ना पीने का पता, लगातार आप काम, पानी पीने की बात कर रहा हूँ भाई, लगातार आप काम करते जा रहे हो और उसके बाद रात में जाके जब ऐसी भसड़ होती है ना कि यार आप घर जाने का टाइम है और आपके साथ कोई दिक्कत आ जाए और आपको कस्टमर केयर से कोई सपोर्ट ना मिले, तो भाई बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं जैसे ही रेस्टोरेंट पे पहुंचा, मैंने अपना आईडी दिखाया कि भाई ये आईडी है ऑर्डर दे दो, तो उन्होंने बोला कि ऑर्डर जा चुका है। तो मैंने फिर ऐप में हेल्प में जाके टिकट रेस करा, अब हेल्प में जाके खाली टिकट रेस ही होती है ना,
उसमें कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, ना कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, ना हम मैसेज टाइप करके भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते कि हमें ये दिक्कत आ रही है। स्विगी का इतना घटिया सपोर्ट सिस्टम है, आप उसमें हेल्प में जाके बोलो मैंने लिखा उसमें रेस्टोरेंट नॉट गिव मी ऑर्डर, मतलब रेस्टोरेंट मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा, उसमें एक ऑप्शन ये वाला आ रहा था तो मैंने ये चूज करा, उसके 15 मिनट बाद मेरे पास कॉल आता है, फिर मैंने उसको सारी चीज बताई तो वो बोलता है कि सर हम आपकी कॉल होल्ड पे कर सकते हैं। मैंने भी कर इसको फटाफट कंप्लीट कर, होल्ड पे ही 5 मिनट तक होल्ड पे कॉल चलती रही, तो भाई फिर मैंने उस कॉल को काटा। उसके बाद एक और कॉल आई, वो भी बता रहा कि ऑटो जनरेट हुए, आपकी जो भी डिटेल है हमारे वहाँ शो नहीं कर रही। तो भाई अब मैं क्या करूँ, शो नहीं कर रही तो मैं तो फंसा पड़ा हूँ आधे घंटे से। तो फिर भाई उसने भी मेरा कुछ नहीं किया, तो फिर मेरे को लास्ट में एक चीज़ समझ आई, मैंने देखो ये सपोर्ट वाले कुछ नहीं करेंगे, आधा घंटे से मैं ऐसे ही खड़ा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, रेस्टोरेंट से ऑर्डर तो लिया नहीं क्योंकि रेस्टोरेंट वाले बोल चुके हैं, मैंने ऑर्डर दे दिया, मैंने फ़ोन में ऑर्डर रिसीव मार कर लिया बिना ऑर्डर पिक किए, मतलब रिसीव किए ऐप में रिसीव मार कर लिया और कस्टमर की लोकेशन पे जाके ऑर्डर को डिलीवर मार दिया, क्योंकि मेरी ऐप से तो हटे, मैं कब तक खड़ा रहूं यार, सुबह से परेशान हो रखा था मैं। तो फिर मैंने जैसे ही ऑर्डर डिलीवर मार किया और मैं वापस आने लगा, कस्टमर का मेरे पास कॉल आता है कि भैया आपने ऑर्डर तो दिया ही नहीं मुझे और डिलीवर मार कर दिया। मैंने कि भैया मैंने ऐसी ऐसी दिक्कत थी, आपने कब से ऑर्डर कर रखा है? कह रहे बहुत देर हो गई, एक घंटे से ज़्यादा हो गया। मैंने कि भाई 10 बज रहे हैं और तेरा 8 बजे का ऑर्डर है, 2 घंटे का ऑर्डर है, तो मैं होश ही नहीं है भाई, कस्टमर को होश नहीं है। और जब मैंने डिलीवर मार किया, जब उसको होश आया कि मुझे तुरंत फ़ोन कर रहा है, तो मैंने ऐसी ऐसी बात है, ये चक्कर है, मैंने खुद जान के डिलीवर मार किया और कस्टमर केयर का कॉल नहीं लग रहा, और लगेगा तो मैं उसको अच्छी तरह सुनाऊंगा। उसके बाद कस्टमर ने कस्टमर केयर से बात की, कस्टमर केयर का मेरे पास फोन आया, फिर मैंने उसको जो सुनाई वो आप सुनो भाई, क्या सुनाई मैंने उसको, ढंग से ही सुनाई भाई, मेरा जितना भी गुस्सा था सारा मैंने उसके ऊपर निकाल दिया। अब यार सुबह से बंदा काम कर रहा है भाई, सड़कों पर रहना, धूप, इतनी गर्मी, बिना खाए पिए, पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता कई बार तो, और फिर जब ऐसी दिक्कतें आती हैं ना तो मन करता है, मैं तो कस्टमर केयर को बोल दिया कि भाई आज तू मेरे पेनल्टी लगा, मेरी आईडी बंद कर, मैं आज के बाद स्विगी करूंगा ही नहीं, इतना गुस्सा आ रखा था। तो फिर भाई उसका फोन आया, मैंने उसको सारी चीज़ बताई। हेलो, क्या मेरी बात जितेश अरोड़ा जी से हो रही है? हाँ जितेश अरोड़ा बोल रहा हूँ। ऑर्डर आईडी नोट करिएगा 8541, मैं स्विगी सर्विस बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऑर्डर आईडी नोट करिएगा 8541। इसमें आपका इडली था और पोड़ी इडली था। ये आपका था एग्जॉटिक डोसा से, ये अभी डिलीवर्ड कर दिया आपने, बट अभी कस्टमर बोले उनको रिसीव नहीं हुआ है। हाँ, कस्टमर को रिसीव होगा नहीं क्योंकि रेस्टोरेंट वालों ने दिया नहीं, रेस्टोरेंट वाले ने आपको ऑर्डर ही नहीं दिया। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा मतलब क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ऑर्डर 8:30 बजे राइडर ले जा चुका है और 3-4 राइडर और आ गए इसी ऑर्डर को लेने के लिए। अच्छा, और सपोर्ट पे आधे घंटे से कर रहा हूँ कि कोई रिप्लाई आ जाए, कोई ऑप्शन है कॉल करने का, ना मैसेज करने का, इतना घटिया इसका सपोर्ट सिस्टम है स्विगी का, क्या अगर किसी राइडर को इमरजेंसी हो कैसे कॉन्टेक्ट करे स्विगी को? मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ से आपका फीडबैक ले ले रहा है। 12 बजे आगे अपनी टीम को खाए पिए लेकिन कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन क्या लास्ट में हमें क्या मिल रहा है इसमें? आधे घंटे से परेशान हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, मैं आपकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ जितेश जी, लेकिन ये ऑर्डर आपके नाम पे अलॉट हुआ है? मेरे नाम पे अलॉट हुआ है, मैं गया हूँ रेस्टोरेंट पे, मैंने उनको बोला है कि ऑर्डर दे दो, वो कह रहे ऑर्डर ले जा चुके हैं, 8:30 बजे जा चुका है ऑर्डर। फिर मैंने टिकट रेज करा ऐप में कि भाई कोई कॉल आए, इस ऑर्डर को हटाओ, क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं, आधे घंटे बाद फिर मैंने उस ऑर्डर को लेके ऐप में रिसीव करके और डिलीवर मार किया है ताकि मेरी ऐप से हट जाए, मैं तब तक उसको लेके खड़ा रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऑर्डर आपके पास मिल गया है तो फिर ऑर्डर नहीं मिला, ऑर्डर दे दे तो बात ही क्या होती, ऑर्डर तो मैंने मेरी ऐप से हटाना था इसलिए मैंने उसको रिसीव किया है, ऑर्डर तो दिया ही नहीं है मुझे रेस्टोरेंट वालों ने, मैंने उसमें फोटो भी डाली है तो वैसे ही डाली है। तो आपने रिसीव क्या किया है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। रिसीव कुछ भी नहीं किया, मैंने बस खाली अपनी आईडी से हटाने के लिए उसको रिसीव किया है कि मैं उसको लेके कब तक खड़ा रहता, उसके रेस्टोरेंट पे ही खड़ा रहता पूरी रात, कुछ सपोर्ट सिस्टम कोई कॉल करके नहीं बता रहा करना क्या है, मुझे तो सही लगा मैंने ये किया है। अब चाहे इसके लिए गलत है, चाहे आईडिया भी बंद कर दो, आज के बाद स्विगी पे काम नहीं करना मैंने, जो अच्छा लगे आपको वो करो, लेकिन मुझे ये बता दो कि बाकी राइडरों के लिए कैसे, अगर कोई किसी को दिक्कत आए तो वो कैसे सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करें, कोई ऑप्शन हो का? जी मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अभी आप जैसा बता रहे हैं उसपे ध्यान रखा जाएगा। आपका तो पता नहीं ध्यान रखा जाएगा, लेकिन मैं अच्छी तरह ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है जी, तेजी, धन्यवाद। आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन चुके हो, यो भी भसड़ हुई मेरे साथ भाई।
स्विगी, तो भाई पैसे ठीक है, ऑर्डर ठीक आ रहे हैं, पैसे भी उतने नहीं, वही 100 रुपये घंटा पड़ रहा है, तो 100 रुपये घंटा तो हम ओला उबर जोमैटो कुछ और कंपनी के साथ भी मैं कर सकता हूँ, मुझे इतना पता है, मैं इतना फील्ड में काम करता हूँ, लेकिन वही बात है, करना होता है, स्विगी की वीडियो बना के दिखानी होती है, स्विगी में कैसी अर्निंग चल रही है, तो ये बड़ी दिक्कत है भाई, सपोर्ट सिस्टम कस्टमर केयर स्विगी का बड़ा ही घटिया है। तो अब पता है स्विगी ने मेरे साथ क्या किया है, पहले तो कल वार्निंग दिखा रहा था कि आपने ऑर्डर डिलीवर किए बना ही डिलीवर मार्क कर दिया है, कस्टमर को ऑर्डर नहीं दिया, अब रेस्टोरेंट ने मुझे नहीं दिया तो मैं कस्टमर को कहाँ से दूंगा, तो ये कह के मेरे पास वार्निंग आई कि आप और ज़्यादा करते हो तो आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी, तो मैं तो खुद ही बोला था भाई सस्पेंड कर दे, मैं तो परेशान हो रखा था। फिर स्विगी कंपनी ने क्या किया, मेरे साथ पेनल्टी लगा दी, मेरे ऊपर 250 रुपये की पेनल्टी लगा रखी है, अब मैं उसके लिए टिकट रेस करूंगा कि भाई 250 रुपये की पेनल्टी हटाओ, ऐसी ऐसी सारी बात थी, और अब देखते हैं यार ये 250 रुपये की पेनल्टी हटती है नहीं हटती। अभी लास्ट ऑर्डर में बड़ी भसड़ हुई थी, और उसके बाद फिर मेरे पास एक इंस्टामार्ट का ऑर्डर आ गया था, इसके लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ा, 11 बज गए थे क्योंकि उस ऑर्डर में ही 10 से 11 तो मेरा 1 घंटा खराब हो गया उस ऑर्डर में। उसके बाद ये इंस्टामार्ट का ऑर्डर है, पिकअप ड्रॉप मिला के मात्र 1.5 किलोमीटर का ही ऑर्डर था, इसके 20 रुपये मिले, मेरे 24 ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे, 9 मिनट लगे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में, उसके बाद मैं घर आ गया था। तो भाई स्विगी में बहुत भसड़ है कस्टमर केयर की, मुझे पता है आपके साथ भी बड़ी दिक्कत आई होगी, जिसके साथ भी दिक्कत हुई है ना, क्या दिक्कत है ये कमेंट करके बताओ, और भाई साहब कस्टमर केयर की दिक्कत हुआ करे ना तो इसको तो भाई रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालो, क्योंकि जब तक ये स्विगी तक बातें नहीं पहुंचेंगी कि ये दिक्कत आ रही है फील्ड में, स्विगी अपना ही सिस्टम नहीं सुधारेगा, तो स्विगी तक ये बातें पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर आपको हेल्प में जाके ये कस्टमर केयर वाली दिक्कत आ रही है, मुझे तो बड़ी दिक्कत आ रही है, लास्ट वीडियो मैंने जब स्विगी में काम किया था तब भी मुझे यही दिक्कत आई थी और आज भी मेरे साथ यही दिक्कत आई, तो भाई आप भी अपनी आवाज़ उठाओ, ये वाली वीडियो भी स्विगी वालों बंधु तक पहुंच जाए इतनी शेयर कर दो, मेरे साथ साथ जितने भी स्विगी राइडर है सभी को दिक्कत आ ही रही होगी, मुझे पता है भाई जब मैं इतना परेशान हो रहा हूँ तो भाई बाकी बंदे तो कितने ही परेशान हो रहे होंगे। और बाकी फिर टोटल अर्निंग की बात की जाए तो मेरा वही 700 रुपये वाला इंसेंटिव 350-350 के 2 दिखा रहा था वो मेरा पूरा हो गया था, और जो शिफ्ट वाले इंसेंटिव भी पूरे हो गए थे, लगभग 1456 रुपये की मेरी अर्निंग हुई थी, मेरी गाड़ी चली थी लगभग 120 किलोमीटर के आसपास, 256 रुपये आप पेट्रोल के हटा लो, पेट्रोल के पैसे हटाने के बाद वही यार 11-12 घंटे काम करके हमने 1200 रुपये की अर्निंग कर ली। भाई स्विगी का कोई भी बंदा स्विगी कंपनी से ये वीडियो अगर देख रहा है तो भाई अपना कस्टमर केयर वाला सिस्टम सुधार लो, एक ऑप्शन तो ऐसा लाओ कि उसमें डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन हो, मतलब हम टाइप करके तो भेज दें, वो रिक्वेस्ट डालते हैं और रिक्वेस्ट के 15 से 20 मिनट बाद कॉल बैक आता है, इतने में तो भाई राइडर की हालत खराब हो जाती है। बाकी यार आपके साथ भी कभी ऐसी कोई दिक्कत आई हो तो अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शानदार सी वीडियो के साथ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना भाई, करते जाना, कर दिया करो यार, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा। एक तो लाइक और शेयर ठोकी महाकाल का जाकर लाइक और शेयर ठोके साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दूनी दो ते दो दूनी चार, पक्के बदमाश साढ़े सारे।